हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के कुछ आधारभूत कॉन्सेप्ट्स को इस क्लास में हम लोग देखेंगे। इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जांपल्स और उनका सॉल्यूशन और उनका कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो अवश्य रूप से उनको पहले देखें। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण, यानी कि अपरिमेय संख्या को हम कैसे संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। आज की इस क्लास में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसी टॉपिक पे जो है आधारभूत चीजों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये जानिए कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। हालांकि इसको मैंने एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट्स में भी बताया है, लेकिन फिर भी आपको मैं क्लियर करा देता हूं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। जरा बच्चे आप ध्यान से देखिएगा। बच्चों, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाय क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जिस नंबर को उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसका एक और कंडीशन है, उसको भी आप जरा ध्यान से सुनिए कि जैसे रूट एम एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट एम एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कब है? जब ये जो एम है ना, एम एम एक पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, रूट एम आपका अपरिमेय संख्या तब होगा जब एम पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप समझिए यहां पे, जैसे √2। बच्चों आप देखिए कि √2 जो है, अंदर में जो 2 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, है ना। अब मैं बात करता हूं √3 के बारे में। √3, अब आप देखिए कि अंदर में जो 3 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं आगे √4। बच्चों आप देखेंगे यहां पे कि 4 जो है यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसके कारण से ये जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये चीज क्लियर समझ में आई होंगी और अपरिमेय संख्या को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चों, एक चीज और है जिसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। रूट में जैसे 8 है, रूट में अगर 8 है तब ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम इसका क्यूब निकाल दें, क्यूब निकाल दें यानी कि पूर्ण घन निकाल दें, तब यह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि √8 जो है यह एक पूर्ण घन संख्या है, जिसके कारण से यह एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। बट अगर यहां पे 3 हटा दें और केवल दिया जाए आपको कि √8 अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, तो √8 अपरिमेय संख्या है, बट क्यूब रूट जो है वो अपरिमेय संख्या, क्यूब √8 अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। साधारण भाषा में आप ये समझिए कि जितने भी रूट वाले नंबर हैं, रूट वाली संख्या है, वो अपरिमेय संख्या होंगी। कब होंगे? जब रूट वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे और परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होंगे। इस बात को आप नोट करके रखेंगे कि तभी रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए और पूर्ण घन संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बात और कि ये जो अपरिमेय संख्या होती है, इसका डेसिमल फॉर्म जो होता है, दशमलव दशमलव प्रसार जो होता है,
वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आइए बच्चों हम लोग समझते हैं कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे हम लोग निरूपित करेंगे। बच्चों जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे रूट टू को संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर निरूपित करें, ये क्वेश्चन मैंने बनाया। ठीक है, रूट दो को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे करते हैं। बच्चों आपको पता है कि संख्या रेखा होती क्या है? ठीक है, ये होती है संख्या रेखा, जीरो वन टू। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, रूट टू को हम लोग संख्या रेखा पे जिस मेथड से लोकेट करेंगे यानी कि दर्शाएंगे, उस मेथड का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जिसे आपने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, ये क्या होता है जरा समझते हैं। जैसे यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, आपको पता है बच्चों कि ये बेस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये हाइपोटेनियस कहलाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बच्चों, रूट दो को आप निरूपित करने के लिए सबसे पहले ये वन यूनिट डिस्टेंस का आप ले लीजिए, यहाँ पे एक डिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट में एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। परपेंडिकुलर बच्चों आपको पता है ना लंब कहते हैं, और परपेंडिकुलर डालना आपको आता है ना। चलिए वन यूनिट का लेंथ था यहाँ पे और वन यूनिट का मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, अब बच्चों इस पॉइंट को इसके टॉप से मिला दीजिए और सपोज दैट इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी इस पॉइंट का। ठीक है, अब यहां पर देख पा रहे होंगे और आप समझ गए होंगे, आप कहेंगे कि सर यहां तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगेगा। तो जी बिल्कुल लगेगा, और पाइथागोरस प्रमेय से ही हम यहाँ पे रूट दो को लोकेट करना सीखेंगे। लेकिन अभी आप रुकिए, अभी आधा सीखे हैं, पूरा कब सीखिएगा? जब पूरा देखिएगा वीडियो को तब। चलिए, तो आप कहेंगे कि सर OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा। तो जी बिल्कुल सही है, यानी OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB कितना है एक प्लस यहां पे AB कितना है एक। ठीक है, चलो बच्चों अब यहां पे आप देख सकते हैं वन का स्क्वायर वन होगा और वन का स्क्वायर वन ही होगा। अब यहां पे OA का स्क्वायर इज इक्वल टू टू, यानी कि OA इज इक्वल टू, बच्चों आपको पता है ना कि इधर से जब स्क्वायर हटता है लेफ्ट हैंड साइड से तो राइट हैंड साइड की और रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ पे दो जो है दो में रूट लग जाएगा और यानी ये हमारा जो OA का लेंथ है ये आ जाएगा रूट दो। बच्चों एक चीज एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, वह कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान से देखिए कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटता है ना तो ये रूट में वैल्यू देता है और वो भी प्लस और माइनस दोनों में देता है, बट यहाँ पे हम लेंथ लेंथ को निकाल रहे हैं यानी कि लंबाई को निकाल रहे हैं, इसलिए लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को ही लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया OA इज इक्वल टू रूट टू। अब यहाँ पे बच्चों आपके पास जो कैंपस है उस कैंपस के एक पॉइंट को यहाँ पे आप रखिएगा और एक पॉइंट को यहाँ पे रखिएगा पेंसिल वाला पॉइंट को, और कैंपस से एक चाप लगा दीजिएगा, एक सर्कल बना दीजिएगा। ठीक है, चाप, तो वो चाप जो है नंबर लाइन के जिस पॉइंट में कट करेगा वही पॉइंट आपका रूट टू कहलाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे कट किया मतलब ये जो पॉइंट है हमारा ये रूट दो का पॉइंट है। ठीक है, और यहां पे मैंने नंबर लाइन में रूट दो को दर्शा दिया है। अगर आप इस प्रकार से एग्जाम में बनाते हैं तो एक नंबर भी कटने का चांस है ही नहीं। चलिए बच्चों
इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रूट थ्री को कैसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों मैं इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं, मैं केवल इतना मिटाता हूं क्योंकि अभी हमको इसका और भी यूज पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे मैं मिटा के कर देता हूं रूट थ्री, ठीक है बच्चों। देखिए रूट थ्री, रूट थ्री को हम लोग कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, इसका अभी मैंने निकाला था रूट दो, ठीक है बच्चों। एक पॉइंट आप लोग अपने कॉपी में स्टार लगा के नोट करेंगे कि जब भी हम अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन में डिनोट करेंगे, डिनोट करेंगे यानी कि दर्शाएंगे, तब हमें सबसे पहले, जैसे आप इसको नोट कीजिए, यह अपरिमेय संख्या रूट एन को संख्या रेखा पर निरूपित करने से पहले रूट अंडर एन माइनस वन को निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। जैसे मैंने अभी रूट टू को निरूपित किया था संख्या रेखा पे, तो सबसे पहले मैंने वन यूनिट को यहां पे निरूपित किया था, एक लिया था। वो कैसे लिया था, सबसे पहले हमें क्या करना है कि n माइनस वन लेना है, तो मैंने रूट टू को निरूपित किया था यानी कि टू माइनस वन इज इक्वल टू रूट वन, और इसलिए मैंने यहां पे वन को पहले लिया था, ठीक है फर्स्ट स्टेप में। अब आप देख रहे हैं कि रूट थ्री को हमें निरूपित करना है, दर्शाना है संख्या रेखा पे, तो कैसे हम लोग दर्शाएंगे जरा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी आपके अंदर में वैल्यू है n, n मतलब ये वाला नंबर, इसको आप पहले ऐसे लिखिए रूट अंडर थ्री माइनस वन इज इक्वल टू रूट टू, आपके पास आ गया रूट टू। अब रूट टू को पहले आप संख्या रेखा पे डिनोट कर लीजिए, ठीक है। रूट टू को मैंने यहां पे डिनोट कर लिया, यहां पे अभी मैंने डिनोट किया था जस्ट पहले रूट टू। अब वन यूनिट का यहां पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये हमारा वन यूनिट है, ठीक है। अभी आप इसको लिख लीजिए, इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं कौन इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। देखिए वन यूनिट का परपेंडिकुलर डालने के बाद ये जो आपका जीरो वाला पॉइंट है इसको आप इसके टॉप से मिला दीजिए, ठीक है, मिल गया। अब इसका नाम दे दीजिए ए, और इसका नाम, और इस रूट टू का जहां पे है इसका नाम दे दीजिए बी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा, तो यानी कि ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है, यानी ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी, कितना है यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये रूट टू है, तो रूट टू का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है वन है, यानी वन का स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं कि ओ इज इक्वल टू ओ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और टू निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि टू प्लस वन यानी कि ओ स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो ओ इज इक्वल टू रूट थ्री और ये आपका आ गया रूट थ्री। अब आपको करना क्या है, आपको कैंपास लेना है और यहाँ पे पॉइंट ए रखना है और एक चाप यहाँ पे लगा देना है, और वो चाप संख्या रेखा के जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट कहलाएगा आपका रूट थ्री। क्लियर, उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सारी कॉन्सेप्ट और ये चीजें समझ में आई होंगी। आप इसको नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, अपने से नहीं बनाएंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप रिवाइज कीजिए तभी आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।